वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू दी वन ऑफ द लेजेंड ऑफ आर बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस्टर अरुण बख्शी। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आज वो लुधियानवीज के लिए क्या लेकर आए हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। प्लेजर एंड ऑनर ऑफ कोर्स। सर, सबसे पहले तो हम आपसे, आप इतने बड़े लेजेंड माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो आपको कितने ईयर्स हो गए बॉलीवुड इंडस्ट्री में गए हुए? जी, मैं कभी किसी को बताते नहीं हूँ कितने साल हो गए मुझे वहाँ पे गए हुए, लेकिन क्या है कि 2 घंटे की फिल्म होती है या 2.5 घंटे की फिल्म होती है, हमारी तो जो लाइफ है वो मोमेंट्स में आती है। अगर आज की मोमेंट अच्छी है, अगर उसमें मेरे पास एक 10 मिनट मिले हैं मुझको या 15 मिनट मिले हैं, आई विल काउंट दोस 15 मिनट्स, या एक्टिंग करेंगे या गाने गाएंगे, उसमें मोमेंट्स कितनी है, क्योंकि साल का मतलब ही नहीं है। काफ़ी साल तो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं कि यू आर इन अ वेटिंग रूम एंड यू आर वेटिंग फॉर योर मोमेंट। वंस दैट मोमेंट कम, तो वो जो वेटिंग है वो सारी दिमाग से निकल जाती है कि नहीं, आपने वेट नहीं किया, भगवान ने आपका साथ दिया है, अभी आपकी मोमेंट है, यू गो फॉर द वर्क, गो फॉर द किल। सर, अभी तक आप कितनी पंजाबी मूवीज में एक्टिंग कर चुके हैं? पंजाबी मैंने कुछ 5-7 फिल्में की होंगी अभी तक। मैं सोचता था कि एक पंजाबी फिल्म की है तो दूसरी अच्छी मिलेगी। मैंने एक फिल्म की थी शहीद आज़म बूटा सिंह, करेक्ट नेम शहीद आज़म बूटा सिंह। इट वॉज़ अ प्लेजर वर्किंग विद गुरदास मान एंड हिज वाइफ, द वंडरफुल कपल, बड़े ऑनेस्ट कपल है, और फिल्म बहुत अच्छी थी, और वो किया था मैंने। उसके अलावा दीपक मैनी साहब की फिल्म की थी एक जिंद एक जान, उसका जो डायरेक्शन था वो चित्रात जी ने दिया था, जो जिन्होंने 80s में चंद परदेसी बनाई थी फिल्म। उसके अलावा 2-3 और फिल्में की थी, और अभी ये आउट ऑफ द ब्लूज ये चांस आया, ये पागलपन वाला रोल है, इट्स टोटल मैडनिंग रोल है। और मुझे लगता है जब भी कुछ मैडनिंग का कोई स्पेशल रोल आता है तो मुझे ढूंढा जाता है, मुझे नॉर्मल रोल मिलते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वेटिंग रूम में रहा हूँ और अपनी मोमेंट की इंतज़ार में रहा हूँ कि कब मेरी मोमेंट आएगी, और वो आती है। मुझे लगता है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है कहीं ना कहीं ऊपर वाला लिखता है, वो जो रोल है, जैसे कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ऐसे ही रोल रोल पे लिखा है करने वाले का नाम। As you are saying, you are not miser, आप कंजूस नहीं है, तो ये आई थिंक पंजाब के ब्लड में ही है। पंजाब का जो DNA है, पंजाब का DNA बड़ा खूबसूरत है, जहाँ बैठते हैं महफिल लग जाती है, बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और उससे क्या, जो खुलापन है, आजकल चिंता और टेंशन बहुत है लोगों को, वो पल भर में वो टेंशन हम लोग दूर, मुझसे लोग बैठते हैं महफिल लगती है, या प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन में लग जाती है, क्योंकि एक तो हमको किसी से स्वार्थ नहीं है, काम वही आएगा उसको बड़े प्यार से, जितनी ऑनेस्टी देनी है मैं कोशिश करता हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैं ऑनेस्टी दूँ। ये लुधियाना वालों का एक खास एक ट्रेट है, पर्सनैलिटी। लुधियाना इज़ योर बर्थ प्लेस, तो स्टिल आप अभी तक लुधियाना सिटी से कितने अटैच्ड हैं? मैं अपने लुधियाना से बिल्कुल अटैच हूँ, मेरे दो दोस्त हैं, एक तो ये मेरे बचपन का दोस्त है मनोहर लाल, और ये मेरे साथ थिएटर भी करता था, और एक मेरा भी एक और दोस्त आने वाला है, डॉक्टर बुली, डॉक्टर रवीश सूद। वो भी जब मुझे कुछ ऐसा लगता है मेरा लो मोमेंट चल रहा है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, ये लंबी 2-4 देते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, उससे मैं ठीक हो जाता हूँ। इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। दे मनोरी लाल, तू गाली दे दे। नो नोट ऑन, ये मेरी कंजरी है। आप देखो, कंजरी बढ़िया मेहंदी जितना कट दी तो मैं को नाच के यार मनावन दे। तो इट इज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर रैपो और आर रिलेशन। यू आर सिंगर आल्सो, तो आपने सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग ली है? दिस वाज योर इंटरेस्ट फ्रॉम सो मेनी इयर्स? देखिए, मैं जब बॉम्बे से गया था तो मैं गुनगुनाता था, गा सकता था, उस वक्त मैं पंजाबी के गाने गाता था, और जब बॉम्बे पहुंचा तो मेरी आवाज़ खुली है और ऊंचे जो नोट्स हैं उसको टच करती है। जैसे अभी आपने सुना होगा, ये बोल मिट्टी दिया बावे जो मैंने गाया है, अभी गला बैठा हुआ है क्योंकि काफ़ी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन नोट्स को छूती है। बॉम्बे में जब गया तो
पहले कन्फ्यूजन था कि एक्टिंग करेंगे या सिंगिंग करेंगे, लेकिन फिर चार लाइन मुझे गाने को मिली, वो भी थिएटर से था मैं। आई डिड लॉट ऑफ थिएटर, और हमारे प्लेज में एक प्ले में था कुछ 18-20 गाने थे, उसका नाम था बकरी, बकरी वॉज द नेम, और वो इतना मशहूर हुआ तो 200 शो किए थे। उस ज़माने में अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, संजीव कुमार जी, ये सब लोग आते थे हमारा प्ले देखने के लिए। उसके बाद हमने एक और प्ले किया कॉकेशन चौक सर्कल का, MS सत्ती उसके डायरेक्टर थे, और उसमें हमारे 55 गाने थे, 55 सॉन्ग्स, 2.5 घंटे का था, और उसमें शबाना जी, शबाना आजमी जी, शी वॉज आर मेन प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद मैंने नादरा जहीर बब्बर जी के साथ किया, मिसिस राज बब्बर, और उनके प्ले में भी उनका था वो चंदनपुर की चंपा बाई, उसमें भी 18-20 गाने थे, मैं वो भी गाता था और मूछ लगा के एक्टिंग भी करने जाता था। वहाँ से मुझे पिकअप कर लिया, बस मेरे जो हालात हैं, किसी ने पूछा कि आपने कहाँ से सीखा, जैसे आपने पूछा, तो मैंने उनको बोला कि मेरे उस्ताद का नाम है पंडित हालातू प्रसाद, तो वो हैरान हो गए, यार अजीब सा नाम है हालातू प्रसाद। तो मुझे दो चार बार पूछा गया कि हालातू कौन है, मैं कहा यार हालात से बढ़ के पंडित कौन है, हम कभी कभी अपने आप को हालात पे छोड़ देते हैं, हालात में महापंडित बन जाते हैं, वही हमारे टीचर बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, वही हमको सिखाते हैं। प्लीज सिंग टू लाइंस फॉर आवर चैनल। व्हाट इज योर चैनल? टाइम्स। अच्छा, मैंने एक रिसेंटली नहीं, कुछ साल हो गए हैं, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म थी, फिल्म आंखें, आपने देखी फिल्म? बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और उसमें मैंने एक गाना गाया था, वो था, गाने के बोल बड़े कमाल के हैं, लेकिन यू हैव टू सिंग विद मी, आपको श्योर आता होगा। नो, यू सिंग विद अ बैड वॉइस, डोंट वरी, आई विल एक्सेप्ट इट। वो था, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, अरे रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सर खाने का, सही बोलता। ये हमारा लास्ट ऑपरेट था। इसकी खूबसूरती यह है कि हम एक लाइन गाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में जाएं तो चार लाइन ऑडियंस गाती है। दिस वॉज, और इसमें फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, मतलब जिस तरह की लाइफ हम जीते हैं उसमें थकना मना है और बुढ़ा होना जुर्म है। तो मेरा मैसेज यही है पंजाब के लिए कि थकिए मत, थकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना मौत है और थकना मना है। कहते हैं हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर अरुण बख्शी, जिन्होंने हमें खूब हंसाया, होपफुली आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।